Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the new MCQ series which I have started regarding the subject of financial accounting. तो ये एक mock test हम start कर रहे हैं जिसमें आपके objectives का preparation side by side चलते रहे. तो ये mock test को ध्यान से देखें और इससे अपने objectives या basic concepts clear करें so that आपके semester 5 financial accounting से related सारे basics clear हो जाए. तो लेट अस स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट 1 फ्रॉम टुडे. इसमें आपको रेगुलर बेस पे मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे सो दैट आपके एमसीक्यूज का भी साइड बाय साइड अकाउंट्स के लिए प्रैक्टिस होते रहेगा. तो इसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज को मैं कवर करने का यहाँ पे ट्राई करूंगा. तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर लें सो दैट उनको भी ये मॉक टेस्ट से बेनिफिट मिल पाए. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बिल्स रिसीवेबल इज शोन अंडर डैश इन द बैलेंस शीट. तो बिल्स रिसीवेबल किस में दिखाया जाता है? इज शोन अंडर डैश इन द बैलेंस शीट ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट असेट्स या नॉन करंट असेट्स. तो बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल के हेडिंग में दिखाया जाता है. तो सही आंसर है ट्रेड रिसीवेबल्स. तो दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Then the next question is buyback of equity shares can be of dash paid up shares. तो buyback of equity shares किसका हो सकता है? Fully paid, that is fully paid up equity shares, fully and partly, third is subscribe and fourth is none of the above. तो buyback आपको याद रखना है, buyback हमेशा fully paid up shares का ही होता है. बायबैक हमेशा फुल्ली पेड अप शेयर्स का ही होता है. बिकॉज अगर पार्टली पेड शेयर्स रहे तो हम बायबैक नहीं कर सकते. हमें पहले पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमें बायबैक हम कर पाएंगे. तो सेकंड का सही आंसर है फुल्ली पेड अप शेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन एज पर सेक्शन डैश ऑफ कंपनीज एक्ट. तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन एज पर सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट. ऑप्शन देखते हैं 66, 319, 70 एंड 77. तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 66 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. तो 2013 का जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के बेस पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम सेक्शन 66 के बेस पे याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. X interest price includes dash only. X interest price includes dash only. तो X interest price में क्या cover होता है? Number one is interest. Number second is a cost. Number third is both. या number fourth is none of the above. तो X interest price जो है, X interest price में क्या cover होगा? तो X interest price में interest, cost, बोथ या नन ऑफ द अबव. तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब सिर्फ कॉस्ट कवर होगा. तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस विल इंक्लूड कॉस्ट ओनली. एक्स एक होता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. इंक्लूडिंग इंटरेस्ट को हम कम इंटरेस्ट के नाम से भी जानते हैं. तो एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट तो इंक्लूडेड होगा नहीं, इसलिए एक्स इंटरेस्ट में क्या इंक्लूड होगा? सिर्फ कॉस्ट इंक्लूड होगा. तो इसका सही आंसर है कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टर्म एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड, दैट इज ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड या जर्मन वर्ड. तो एथिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, एथॉस करके. तो इसका सही आंसर बन जाएगा ग्रीक वर्ड. तो राइट आंसर फॉर दिस इज ग्रीक वर्ड. द टर्म एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ओके, सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ICWAI, ICAI, IFRS एंड IASB. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, इसका सही आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कॉल्ड एस ICAI. तो आपको ये बोर्ड ध्यान में रखने हैं, ICWAI, ICAI, IFRS और IASB, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ICAI. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ राइट्स क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट. जो प्रीमियम मिलता है आपके राइट्स बेच के वो कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है? द ऑप्शंस आर इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो जो भी प्रीमियम आपको मिलेगा राइट्स को बेच के, वो कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, एंड दैट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको क्रेडिट किया जाएगा द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी कैन नॉट बाय बैक मोर देन डैश ऑफ इट्स ओन फंड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करते वक्त 25% ऑफ द ओन फंड्स ही बायबैक कर सकता है, उसके ऊपर बायबैक नहीं कर पाएगा। तो कंपनी कैन नॉट बायबैक मोर देन 25% ऑफ इट्स ओन फंड्स। तो 25% ऑफ इट्स ओन फंड से ऊपर कभी बायबैक नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इसका राइट आंसर है 25%। तो 25% इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आर डैश टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देखो, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस कैपिटल रिडक्शन में डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे, इग्नोर हो जाएंगे कि नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसका सही एंट्री होता है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज आर टू बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी फाइनल अकाउंट्स हम बनाएंगे 2013 के बेस पे, वो शेड्यूल 3 में कवर होता है। शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट, पहले 2013 के पहले हम शेड्यूल 6 को यूज करते थे फॉर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। अब एज पर न्यू कंपनीज एक्ट, दी अपडेटेड कंपनीज एक्ट 2013, शेड्यूल 3 इज द राइट आंसर। तो शेड्यूल 3 के बेस पे हम नया फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शेड्यूल 3। नेक्स्ट इज एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज शोन अंडर द लाइबिलिटीज डैश लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज और फिक्स लाइबिलिटीज। तो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। तो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज शोन अंडर द डैश लाइबिलिटीज। एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी के हेड के अंदर एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड दिखाया जाएगा। नेक्स्ट एंड इज द लास्ट क्वेश्चन। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज। ये तो काफी ईजी है, आप इसको आंसर कर पाएंगे। द आंसर इज, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, मोर, लोअर, बोथ, नन ऑफ द अबव। सो करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज स्मॉल, विच एवर इज लोअर। तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक हम वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, सिमिलर इज द आंसर फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। सो दिस वेर द 12 MCQs. MCQs कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ऐसे ही आपकी MCQs की प्रैक्टिस होती रहेगी, सो दैट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दी ऑब्जेक्टिव्स फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर सेमेस्टर 5। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।